Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Let's start the next question, question number 3. So, isme aapko find karna hai, yahan pe itne sare parts hain. The first part is 1.3 multiply by 10. Pehle hum isko thoda sa samajhte hain. 1.3 multiply karna hai aapko 10 se. Ek cheez aapko yaad hai ki jab hum point hatate hain, so jitni digits piche hoti hain, niche utni zero laga dete hain 1 ke saath. Theek hai? So, अब हमें क्या करना है? इसको 10 से multiply करना है. अब अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 13 upon 10 because decimal के बाद एक number है, so ये हो जाएगा एक zero के साथ 10 multiply by 10. ठीक है? So 10 से 10 गया, 13 आ गया. ठीक है? ये है थोड़ा सा long method को solve करने का. इससे easy method है. अगर आपके पास पॉइंट में है, डेसिमल में है और आपको उसे 10 से, 100 से, 1000 से या so on ऐसे करना है, तो हम क्या करते हैं? जैसे कि पॉइंट हटा के हम नीचे जीरो लगाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं? जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जितने नंबर्स हैं 1 के साथ, जैसे 1 के साथ यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे दो जीरो, यहाँ पे तीन जीरो, तो जो हमारे डेसिमल है, वो शिफ्ट हो जाएगा. जैसे कि अगर 1.3 है और यहाँ पे इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 एक है मतलब डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है? तो एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 13 because 0.3 के बाद शिफ्ट हो गया तो this is 13 point बन गया. 13 point मतलब 13.0 जिसका मतलब है कि वो क्या है 13. तो आपको याद रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 100 से 1000 से 10000 से and so on और वो decimal में अगर कोई number है तो जितने भी zero होंगे 100 हो 1000 हो 10000 है उतने आगे वो decimal shift हो जाएगा लेकिन right hand side पे उसको पीछे shift नहीं करना गलत हो जाएगा उसको आगे shift करना है. so देखते हैं यहाँ पे जो questions हैं let's try them. first part is 1.3 into 10. 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. 10 में कितनी जीरो है? एक जीरो. मतलब कि जो डेसिमल है वो एक पॉइंट आगे जाएगा. So this will be 13. Because decimal 3 से पहले था, इसको एक आगे भेजा तो ये हो गया 13.0. मतलब कि 13. So second part. सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 36.8 into 10. अब हमें क्या करना है? फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना है. 10 में कितनी जीरो है? 1 जीरो. मतलब डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट होगा? 1 प्लेस. विच मींस कि अगर ये यहाँ पे है तो वो यहाँ आ जाएगा. यहाँ आ जाएगा मतलब 8 के बाद. और 8 के बाद मतलब ये हो गया 368 और 8 के बाद आ रहा है. सो दैट मीन्स 368.0 which means 368. इसमें आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए ये as it is नंबर आ जाता है. थर्ड पार्ट में 153.7 into 10. अब हमें 153.7 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. 10 में अगेन 10 मतलब ये पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा यहां पे शिफ्ट हो जाएगा. सो ये फिर से हो गया 1537. So this is 1537. Fourth part me. Now fourth part is 168.07 into 10. अब आपको इसमें क्या करना है? 168.07 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है. 10 में 10 डेसिमल एक प्लेस आगे होगा. एक प्लेस आगे होगा मतलब 168. 8 के बाद है एक प्लेस हमने आगे कर दिया तो वो 0 के बाद आ जाएगा. सो ये आ गया 1680.7 बिकॉज हम एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे क्योंकि एक जीरो है. ठीक है? फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं. 31.1 इंटू 100. अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 100. 100 मतलब दो जीरो है. सो अगर दो जीरो है तो डेसिमल
दो डिजिट आगे जाएगा. सो दिस इज 3-1. अब यहाँ पे डेसिमल था लेकिन उसको हमें आगे भेजना है. सो अगर मैं अभी यहाँ पे करती हूँ तो वो एक डिजिट आगे जाएगा, मुझे दो डिजिट आगे भेजना है. सो मुझे यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा 3110. और अगर डेसिमल यहाँ पे है और आगे 00 होगा सो इसका मतलब क्या है, क्या है ये 3110. सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि हमने डेसिमल को दो डिजिट आगे भेजना है. यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट थी तो हमने जीरो लगा दिया ताकि हम जो आगे शिफ्ट करें वो दो डिजिट आगे हो. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. सिक्स पार्ट के अंदर वी हैव 156.1 × 100. अब 156.1 है और आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से. 100 में कितनी जीरो है, दो जीरो, मतलब कि डेसिमल को दो प्लेस आगे शिफ्ट करना है. सो 156, एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट आगे हम भेज देंगे. फिर एक डिजिट हमें खुद ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है. सो हम यहाँ पे पॉइंट कर देंगे. फाइन, सो ये एक वन से जंप किया, फिर हमने एक जीरो दे दी तो दो डिजिट से जंप किया पॉइंट ने. सो 15610 पॉइंट समथिंग दैट इज 00. सो दिस विल बी 15610 बिकॉज पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है. सो दिस इज द आंसर विच इज 15610. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेवन पार्ट में हमारे पास है 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100. 100 मतलब दो जीरो, दो जीरो मतलब दो पॉइंट्स आगे शिफ्ट होगा. 62 दो डिजिट है सो दो डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, दैट इज 362. और पॉइंट आगे आ गया, पॉइंट 00 हो गया तो उसका मतलब है ये 362 है. उसके बाद एट पार्ट में हमारे पास है 43.7 × 100. अब आपको 43.7 को 100 से मल्टीप्लाई करना है. अगेन 100 में दो जीरो है आपके पास तो मतलब हमारा डेसिमल दो प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा. सेवन एक डिजिट हमारे पास है, एक डिजिट हमें ऐड करनी पड़ेगी बिकॉज हमें दो डिजिट आगे करना है. सो अगर 3 के बाद था तो वो 7 से जंप किया, 0 से जंप किया और यहाँ पे आगे आ जाएगा एंड लास्ट में पॉइंट है. दैट मीन्स द आंसर इज 4370. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाइन्थ पार्ट में हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10. अब आपको 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. 10 मतलब एक जीरो, एक जीरो का मतलब डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट होगा. सो डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 पॉइंट. लास्ट में पॉइंट का कोई मतलब नहीं है. सो 0.5 इज बेसिकली 5. सो आंसर इज 5. देन कमिंग टू द टेंथ पार्ट, टेंथ पार्ट में हमारे पास है 0.08 × 10. ठीक है, सो 10 का मतलब क्या है कि हमें एक जीरो है, डेसिमल को एक डिजिट आगे भेजना है. सो ये हो जाएगा जीरो, यहाँ पे है इसको यहाँ भेज दिया. सो ये हो गया 0., अगर इसको जीरो भी लें तो ये आ गया ऐसे. सो ये हो गया 0.8. इसका मतलब है ये क्या हो गया 0.8. ठीक है, इलेवेंथ पार्ट में हमारे पास है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100. अब आपको 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करना है. 100 मतलब दो जीरो, पॉइंट दो डिजिट आगे जाएगा. सो ये हो गया 0.9 और दो डिजिट आगे भेजना है. एक तो ये 9 को क्रॉस कर दिया, एक डिजिट हो गया, एक डिजिट हमें ऐड करनी पड़ेगी फिर पॉइंट यहां चला जाएगा. सो 0.9000 है. सो पहले तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है एंड 090 सो द आंसर इज 90. देन कम्स द लास्ट पार्ट, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000. अब इसमें हमारे पास 1000 है. 1000 मतलब तीन जीरो है, 1 2 3 3 0 मतलब डेसिमल तीन डिजिट्स आगे जाएगा. और तीन डिजिट्स, दो डिजिट्स तो हमारे पास है, दैट इज 0 0 3. एक 1 पे जंप किया, एक 3 पे जंप किया, एक डिजिट और डालनी पड़ेगी तो और एक्स्ट्रा डिजिट हम क्या डालते हैं, 0. सो 0 0 3 0 इसका क्या मतलब हुआ, 30. सो द आंसर इज
30. So this was about question number 3. Let's come to question number 4.